Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erica. It's our part 4 of your chapter number 1 going to school. So let's start. आज हम हमारा page number 7 and 8 complete करेंगे. Subscribe the channel and please press the bell icon अगर अभी तक किसी ने नहीं किया है. Open the page number 7 of your books and see. Next जो हमारा vehicle है जिसपे बैठ के बच्चे देखो school पहुँचते हैं वो है गुजरात में जुगाड़. ठीक है, जुगाड़ एक व्हीकल का नेम है गुजरात में. तो ये क्या है ये जुगाड़, देखो आपने तो जुगाड़ पहली बार ही सुना होगा, है ना. ये पर्टिकुलर कोई एक व्हीकल नहीं है, जैसे आपकी मोटर बाइक होती है, कार होती है, बस होती है, वैन होती है, वैसे एक पर्टिकुलर व्हीकल नहीं है. ये एक जुगाड़ लगाया हुआ है, एक व्हीकल बनाया हुआ है जिसको गुजरात में बोला जाता है जुगाड़. तो देखते हैं ये क्या है. लुक एट अवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, बच्चे बोल रहे हैं हमारे स्पेशल ट्रांसपोर्ट को देखो. देखो ये ट्रांसपोर्ट कैसा है, इसके पीछे आगे तो देखो बाइक लगी हुई है जो आपकी मोटर बाइक होती है, पीछे कार टाइप कुछ लगा हुआ है ना. इट साउंड्स फट 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 व्हेन इट रन्स, तो कहते हैं जब ये चलता है, जब ये रन करता है, जैसे बुलेट होता है ना, बुलेट वाली जो बाइक होती है वो फट 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 करती है, ऐसे कहते हैं हमारा जो ये जुगाड़ है ये ऐसी आवाज करता है. इज इट नॉट समथिंग स्पेशल, द फ्रंट लुक लाइक अ मोटरसाइकिल बट द कैरेज एट द बैक इज मेड ऑफ प्लैंक ऑफ वुड, कहते आगे तो इसके मोटर बाइक लगी हुई है बट जो पीछे है वो एक कैरेज है जो हमें कैरी करके लेके जा रहा है, जिसमें ये बच्चे खड़े हैं सारे, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं और स्कूल जा रहे हैं. ये किसका बना हुआ है, लकड़ी के प्लैंक्स का. तो मतलब ये एक जुगाड़ लगाया गया है, बाइक एंड पीछे कार्ट को मिला के एक व्हीकल बनाया गया है जिसमें बच्चे बैठ के स्कूल पहुंच सके. गुजरात में इसको क्या बोलते हैं, जुगाड़. ठीक है, देखो जुगाड़ एक नॉर्मल हिंदी वर्ड है. जैसे आप भी क्या करते हो, जैसे मान लो आपके पास, आपके मम्मा क्या करते हैं, जैसे मान लो आप नॉर्मल दूध नहीं पीते हो, प्लेन दूध नहीं पीते हो, तो वो उसमें कॉफ़ी पाउडर डाल के या चॉकलेट पाउडर डाल के जुगाड़ लगा के आपको दूध पिलाते हैं, राइट. वो होता है एक जुगाड़, स्कीम लगानी. ठीक है, सो नेक्स्ट इज आपको इसके ऊपर ही जो ये व्हीकल है इसके ऊपर ही कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं. डू यू हैव सच व्हीकल इन योर एरिया, क्या आपके एरिया में जुगाड़ व्हीकल है. देखो ऐसा तो अगर है यू कैन राइट इट एज यस, अदरवाइज नो. नो दिस टाइप ऑफ व्हीकल आर नॉट इन माई एरिया बट अदर टाइप ऑफ जुगाड़ व्हीकल आर देयर इन माई एरिया. और तरह के जुगाड़ हो सकते हैं, जैसे आजकल वो चल रहा है वो जो रेडी होती है, रेडी वाले भैया होते हैं वो साइकिल की जगह अपनी मोटर बाइक लगा लेते हैं आगे, है ना, तो वो भी एक क्या है, जुगाड़ है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू कॉल दिस इन योर एरिया, आप अपने एरिया में उसको क्या बोलते हो. अब जो भी बोलते हो आप उसका यहाँ पे नेम लिख सकते हो. वी कैन कॉल दैम डीजल पंप्स कार्ट, मतलब आगे डीजल पंप, पंप वाला एक आगे जिसमें डीजल डलता है वो लगाया है, पीछे एक कार्ट है. आप कुछ भी नेम, जो भी नेम आपको आपके जुगाड़ को आपके शहर में दिया जाता है, आपकी सिटी में दिया जाता है, आप वो लिख सकते हो. नेक्स्ट वन इज वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस, व्हाई. यस, बिकॉज इट विल बी फन टू राइड ऑन सच अ व्हीकल. देखो वो देखने में इतना फनी लग रहा है तो उस पर राइड करके तो और भी फनी लगेगा, राइट. नेक्स्ट वन इज कैन यू टेल व्हाई इट इज कॉल्ड जुगाड़, अब इस व्हीकल को जुगाड़ ही क्यों बोलते हैं. देखो क्यों, बिकॉज इट इज मेड बाई पुटिंग टूगेदर पार्ट फ्रॉम डिफरेंट व्हीकल एंड मशीन, डिफरेंट व्हीकल के पार्ट्स को कलेक्ट करके एक जुगाड़ लगाया गया, एक मशीन बनाई गई है, एक व्हीकल बनाया गया, जैसे कि टायर, इंजन, वुडन पार्ट्स फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स, है ना. देखो आगे तो मोटर बाइक थी बट पीछे वुडन प्लैंक से उन्होंने एक कार्ट और कैरेज बनाया हुआ था. ठीक है, दैट्स वाई उसको हम बोलते हैं जुगाड़. द जुगाड़ हैज़ बीन मेड बाई यूजिंग वेस्ट मटीरियल, तो हम ये कह सकते हैं कि वो वेस्ट मटीरियल से यूज़ करके बनाया जाता है. येस ऑफकोर्स, जो वेस्ट आपकी वुडन प्लैंक्स पड़ी थी उससे आपने इतना अच्छा कैरेज बना के एक व्हीकल बना लिया जो बच्चों को स्कूल जाने में हेल्प कर रहा है. वाई डोंट यू ऑल्सो ट्राई टू मेक समथिंग बाई पुटिंग टूगेदर सम वेस्ट मटीरियल, तो अभी आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है. आप कुछ भी वेस्ट मटीरियल से अपनी कोई भी एक ऐसे जुगाड़ वाली एक आइटम बना सकते हो जो आपके यूज़ में है. लाइक आप एक पेन स्टैंड बना सकते हो जुगाड़ लगा के वेस्ट मटीरियल से, राइट. आप एक वाटर बॉटल को यूज़ करके पेन स्टैंड बना सकते हो. ठीक है, तो आप अपने माइंड से अपनी क्रिएटिविटी से ये एक्टिविटी कर लोगे. नेक्स्ट वन इज कैन यू थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर नन ऑफ दिस व्हीकल्स कैन रीच. येस देयर आर सच प्लेसेस. ये जुगाड़ व्हीकल्स क्या होते हैं, देखो ये थोड़ा कम डिस्टेंस ही ट्रैवल कर पाते हैं क्योंकि इनमें वो परफेक्शन नहीं होती है. ठीक है, तो कहते हैं कुछ ऐसे प्लेसेस भी होती हैं जहाँ पे आप अपने जुगाड़ व्हीकल्स को नहीं लेके जा सकते. नेक्स्ट टॉपिक देखो, अभी जंगल वाले बच्चे जो हैं, जो जंगल के पास रहते हैं, उनको जंगल क्रॉस करके स्कूल जाना पड़ता है, अभी उसका रीड करते हैं. चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, वी हैव कम ऑन पेज नंबर 8. लेट्स वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल. बच्चे बोल रहे हैं कि हमें बहुत घने जंगल से जाना पड़ता है स्कूल पहुंचने के लिए.
At some places, it is so thick that even sunlight does not pass through. कहीं कहीं पे कहते हैं इतना घना है, इतने पेड़ पौधे आ जाते हैं कि जो सनलाइट है वो भी नहीं निकलती. इट मीन्स अंदर क्या हो जाता है, थोड़ा अंधेरा हो जाता है. इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर, वहाँ बहुत शांति भी होती है. यू कैन हीयर ओनली साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स. अभी देखो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में आपको बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स की साउंड्स मिलेंगी. और जब ये ट्रैवल करते हैं इस जंगल में से, इस फॉरेस्ट में से निकलते हैं स्कूल जाने के लिए, तब ये एक ऐसे एरिया में पहुंचते हैं जहाँ पे वो बहुत घना होता है, मतलब थिक फॉरेस्ट आ जाता है. हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेस? क्या आपने कभी इतना थिक जंगल और कोई फॉरेस्ट देखा है? अगर देखा यू कैन राइट इट एज येस और नो. बट आई थिंक ये मूवीज में तो सबने देखा होगा, राइट? येस, आई हैव बीन इन अ थिक जंगल व्हाइल आई वेंट टू द नेशनल पार्क विद माई पेरेंट्स. तो ये मैंने अपने परस्पेक्टिव से लिखा है. मैं जब नेशनल पार्क देखने गई थी अपने पेरेंट्स के साथ, मैंने तब ये देखा था. तो आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे लिख सकते हो. नेक्स्ट वन इज राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक. अच्छा, आपको फिर अगर मान लो आप किसी जंगल से गए हो, आपने कोई फॉरेस्ट देखा है, तो आपको उसका एक्सपीरियंस लिखना है. अ जंगल इज अ लार्ज एरिया फुल ऑफ स्मॉल एंड लार्ज ट्रीज. एक जंगल में क्या होते हैं, बहुत सारे स्मॉल एंड लार्ज ट्रीज होते हैं. देयर आर सो मैनी एनिमल्स birds that live in a jungle. ठीक है, next one is can you recognize some birds by their sound? Can you imitate the sound of some birds? Do it. कहते क्या आप कुछ birds उनके sound से पहचान सकते हो? पहचान सकते हैं. जैसे crow है, हमें उसके sound से पता चल जाता है. Peacock and parrot के sound से हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा bird है. और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि आप imitate करके देखो, उन sounds को निकाल के देखो. ठीक है, तो आप क्लास में ये एक्टिविटी कर सकते हो. आप अपने फ्रेंड को पूछना कि मैं किसी बर्ड के साउंड निकालूंगा, एंड उसको गेस करना होगा कि आप कौन से बर्ड के साउंड निकाल रहे हो. यस, आई कैन रिकॉग्नाइज बर्ड्स सच एज क्रो, स्पैरो, ईगल, आउल, पैरेट, पीकॉक, डक एंड हैन बाय देयर साउंड. नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक पेज नंबर 8 इज मूविंग ऑन द स्नो. अभी कुछ बच्चे देखो, हमने अभी देखा फॉरेस्ट से आते हैं. अब जो नॉर्दर्न हिल्स वाले बच्चे हैं, जो नॉर्दर्न हिल्स वाली साइड रहते हैं, वो स्कूल कैसे पहुंचते हैं? स्नो पे वॉक करके. देखो जैसे ये गर्ल्स वॉक करके आ रही हैं. सी हाउ वी रीच स्कूल. वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो. वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली. एक दूसरे का हाथ पकड़ के बड़े केयरफुली चलती हैं. केयरफुली क्यों चलती हैं? क्योंकि स्नो इतनी सॉफ्ट होती है कि आपका जो पैर है वो बारी बारी स्नो में सिंक कर जाता है. ठीक है, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे की हेल्प से ये स्नो पे वॉक करके स्कूल पहुंच जाते हैं. इफ द स्नो इज सॉफ्ट अवर फीट सिंक इनटू इट. व्हेन द स्नो इज फ्रोजन वी मे स्लिप एंड फॉल. अब देखो अगर तो स्नो सॉफ्ट होएगी तो आपका जो पैर है बारी बारी स्नो में जाएगा. ठीक है, तो चलना बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड अगर स्नो फ्रीज हुई हुई होगी, जमी हुई होगी, तो आपको स्लिपरी का डर रहता है. वहां पे आपका पैर स्लिप होके गिर भी सकते हो आप. तो आपको वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने कभी स्नो देखी है? स्नो भी सबने देखी होगी. देखो मोस्टली स्नो हम टीवीज में भी देखते हैं, है ना? या आप जब घूमने गए होगे किसी हिल स्टेशन पे, शिमला मनाली, आपने वहाँ पे भी स्नो देखी होगी. तो वो पूछ रहा है कहाँ देखी है. येस, आई हैव सीन सो मच स्नो. आई सॉ इट ऑन डिस्कवरी चैनल ऑन टीवी. और आप कुछ भी लिख सकते हो जहाँ पे भी आपने वो स्नो देखी है. ठीक है, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया. आज तो बिल्कुल इजी था. आज सिर्फ हमने दो ही चीज़ें की, एक तो बच्चे जंगल से आ रहे थे, एक हमने जुगाड़ के बारे में पढ़ा, और स्नो से बच्चे नॉर्दर्न हिल्स में स्नो से क्रॉस करके बच्चे स्कूल पहुँचते हैं. वी विल डू अवर पेज नंबर 9 and 10 इन नेक्स्ट क्लास. ये भी बहुत ईजी है एंड ये आपके चैप्टर के लास्ट पेजेस हैं. अगर कोई डाउट हुआ यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.